दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय गौरव कलश। भंडारा जिले में पुलिस विभाग की ओर से शांतता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी दिनों में आने वाले पर्व की जानकारी दी गई, जिसमें 7 तारीख से शुरू होने वाले नवरात्रि के पवित्र पर्व पर सभी मंदिरें शुरू हो रही है, जिसमें सभी मंदिरों में शांतिपूर्वक व कोरोना के नियमों का पालन करते हुए पूजा अर्चना करने की अपील की गई। पुलिस विभाग हमेशा सभी धर्मों को लेकर कोरोना के कार्यकाल में सहयोग में रहा है। इस बैठक में सभी धर्म के लोगों को बुलाया गया था, जिसमें सभी की प्रतिक्रिया ली गई। आए हुए लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देकर मंदिरों में शांतिपूर्वक कोरोना नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया। उसी प्रकार भंडारा जिला पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव ने कहा कि हमेशा पुलिस विभाग ने सार्वभौमत्व एकता जताते हुए नियमों का पालन कर सहयोग किया है। उसी प्रकार आने वाले नवरात्रि तथा ईद मिलादुन्नबी का जश्न भी सादगी पूर्वक एवं कोरोना के नियमों का पालन कर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाने की अपील जिला पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव ने नागरिकों से किया है। या कार्यक्रमास उपस्थित असलेले माझ्या भंडारा जिल्ह्यातील सर्व सन्माननीय सदस्य, माझे पत्रकार बंधू भगिनी आणि माझे सर्व सहकारी, उद्यापासून मंदिरे उघडणार आहेत, त्याचबरोबर म्हणजे धार्मिक स्थळ म्हणा, त्याचबरोबर उद्या घट बसणार आहे देवीचे। तर 2020 मध्ये आपण पाहिलेला आणि एसटीच्या या मध्यापर्यंतचा उभेपर्यंतचा आपण पाहिलेला आहे की या जो कोरोना नावाची महामारी आली, या महामारीमध्ये या देशामध्ये नव्हे तर जगामध्येच जे काही संकट आलं होतं त्याच्यामध्ये बरेच लोक काही नसताना आपल्या जीवाला मिळालेले आहेत, काही आजारी पडलेले आहेत, रिकव्हरी होताना अजूनही पोस्ट कोविडचे इम्पॅक्ट दिसून येत आहेत। त्यानंतर मोठ्या प्रमाणामध्ये लॉकडाऊन लागल्यामुळे जे उद्योग व्यवसाय होते त्या उद्योग व्यवसायांचा कंबर मोडलेला आहे। हळूहळू पूर्वपदावरती चाललं होतं, त्याच वेळेस शास्त्रज्ञांनी सांगितले की तिसरी लाट येणार आहे, परंतु तिसरी लाट तर काही अजून दिसत नाहीये। परंतु कारण हा जो व्हायरस आहे, हा व्हायरस स्वतःच्या मध्ये बदल करून घेतो, त्याच्यामुळे त्याची वेगवेगळी नावं ठेवली जातात। त्याच्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार करताना आणि सणांचे दिवस असताना पुन्हा एकदा आपल्याला शांततेचं शहर व जिल्हा असलेला आपल्या सर्वांना एक दिलाने, एक जुटीने, एक विचाराने आपल्याला समजून घ्यायचं आहे की अजूनही संकट आपल्या दारामध्ये आहे, अद्यापही हे संकट गेलेलं नाही। सण उत्सव साजरे केलेच पाहिजे, परंतु त्याचबरोबर कोरोना हा पसरणार नाही म्हणून आपल्याला मास्क लावणे, त्याच्यानंतर डिस्टन्स ठेवणे, वेळेवरती हात स्वच्छ धुणे, त्यामुळे गर्दी कमी होईल याच्याबद्दलच बघा। ज्याप्रमाणे आपण घरामध्ये प्रत्येक जण आपल्या धर्माची पूजा करत होता, त्याप्रमाणे आपण सगळेजण घरामध्ये मंदिरामध्ये आपण जे काय देव असेल, अल्लाह असेल, येशू असेल, गॉड असेल, जे काय असतील प्रत्येक आपापले बांधव जे जे ज्यांना ज्यांना देव मानतात त्याच्याप्रमाणे सगळेजण आपापल्या देवाची प्रार्थना करत होते। त्याचप्रमाणे आता सुद्धा आपल्याला प्रार्थना करायची आहे की तिसरी लाट येऊ नये, हे संकट येऊ नये, आलेल्या संकटावरती मात केली पाहिजे। त्याच्यामुळे वेगवेगळे उपक्रम घेऊन जास्तीत जास्त लोकांना कसा फायदा होईल, अशा प्रकारे लोकांना आपण मगाशी गिरीपूजेने खूप चांगलं सांगितलं की आपण जे जन्माला आलेलं प्रत्येकाने आपापल्या परीने वेगवेगळं काम केलं पाहिजे, सगळे जणांनी शांततेमध्ये काम केलं पाहिजे। ज्याला काही अडचण असेल किंवा असेल तो वेगळ्या माध्यमातून पण करू शकतो, यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव, अपर पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, DYSP संजय पाटिल, रीना जनबंधु, वाइकर सर, उसी प्रकार तालुका के सभी थाना प्रभारी और सभी तहसीलों से आए हुए मान्यवर व नागरिक तथा पत्रकार मौजूद रहे। अनलॉक प्रक्रिया में कल से धार्मिक स्थलें खुल रही है।
पर जो हमको परमिशन मिली है उसमें जो दिशा निर्देश है वो इतने जबरदस्त है कि उसका पालन हम लोग नहीं कर सकते मंडल वाले बिना प्रशासन के सहयोग से। जल्दी इतनी ज्यादा रहती है शीतला माता मंदिर में, मैं शीतला माता मंदिर से संबंधित हूँ, बहुत जल्दी रहती है, महिलाओं की सबसे ज्यादा रहती है, पर बिना प्रशासन के मदद से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो सोशल डिस्टेंसिंग है और ये आप लोगों का बंदोबस्त कर रहेगा, प्रशासन के सहयोग से ही हम कुछ बातें अमल कर सकते हैं। हम देश के रहने वाले हैं, इस देश में सभी धर्म के मानने वाले, सभी धर्म पर चलने वाले लोग बड़ी खुशी के साथ परसों से कंधे को कंधा मिलाकर बैठे हैं और यही इस मुल्क की, इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती। इस खूबसूरती को और डाइवर्सिटी को बाकी रखना ये हमारे हाथ में, हम इसके जिम्मेदार हैं। और इस तरह हर मौके पर, हर त्यौहार के वक्त, हर बीमारी के वक्त, हर वायरस के वक्त हमको इसका ध्यान रखना है। तो बात की मजहब की और धर्म की, मेरा ये मानना है अगर आप 5,000 साल की 10,000 साल की किताबों को पढ़ते हैं और उसमें सभी धर्मों का ज्ञान देते हैं तो एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब आपको, हमको नफरत करना नहीं सीखा। मजहब की तालीम, मजहब की शिक्षा ये अमन की है, ये मोहब्बत की है, ये शांति की है। और इसी धर्म के मानने वाले जो अपना त्यौहार या और कोई चीज मनाते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हमारे त्यौहार से, हमारे बोलने से, हमारे मजहबी कार्यक्रम से किसी दूसरे को तकलीफ होती है तो यह हम धार्मिक काम नहीं कर रहे। इसी चीज धर्म के अंदर या समाज के अंदर जो विवाद है इसको पैदा कर, इसको दूर करने के लिए इस विवाद को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए मजहब का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और इसको मजहबी लोगों को इसका रोल अदा करना चाहिए कि समाज के अंदर जो नफरत की चिंगारी फैल रही है इसको कैसे रोका जाए, किस तरीके से रोका जाए। शासन नहीं आता पिता कुटुंब लोका मिला आपको पूजा पासन मंदिर उगरण्याची परवानगी दिलेली आहे, परंतु अक्षरशः कोरोना जी नसला तरी कोरोना यामुळे पुणे होऊ नये याची शासनाने काळजी घेतलेली आहे। मंदिर उघडा, मंदिराचं शासनाने जे पालन केलेले नियम आहेत त्याचं तंतोतंत पालन करा आणि तुम्हाला कुठे अडचण पडली असेल तर विभागाला, पोलीस डिपार्टमेंटला तुम्ही आमंत्रण करा, ते तुम्हाला सहकार्य करतील। अशा प्रकारची शासनाची योजना आहे। विनंती आहे की कोरोनाचं तंतोतंत पालन करून आपण नवरात्राचा उत्सव साजरा करावा आणि या ठिकाणी मला बोलण्याची परवानगी दिली, त्याबद्दल चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।